हेलो दोस्तों, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो क्या आप भी उन विद्यार्थियों में से एक हैं जो एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम 2023 देना चाहते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ पर आपको एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम से जुड़ी हर वह एक जानकारी दी जाएगी जो कि किसी भी अभ्यर्थी के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि एसएससी सीपीयू क्या है, वह कैसे एसएससी सीपीयू एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकता है, क्या वह इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य है या नहीं, इसके अलावा और भी बहुत कुछ महत्वपूर्ण है जो इस वीडियो में आप जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एसएससी सीपीओ परीक्षा तिथि 2023। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी, दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए एसएससी सीपीओ परीक्षा आयोजित करता है। एसएससी सीपीओ पेपर वन के लिए एसएससी सीपीओ परीक्षा तिथि 2023 3 से 6 अक्टूबर 2023 तक तय की गई है। एसएससी सीपीओ 2023 परीक्षा को 4 चरणों, पेपर एक जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि पीएसटी, शारीरिक सहल शक्ति परीक्षण यानी कि पीईटी और पेपर दो में विस्तृत चिकित्सा परीक्षा यानी कि डीएमई में विभाजित किया गया है। आपको बता दें कि यह उन स्नातकों के लिए एक उत्कृष्ट अवसर है जो रक्षा क्षेत्र खासकर दिल्ली पुलिस में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं। एसएससी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी कि सीएपीएफ और दिल्ली पुलिस में 1876 सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई पदों के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों को एसएससी सीपीओ परीक्षा 2023 के माध्यम से नियुक्त करेगा। आप इस दिए हुए चार्ट से समझ सकते हैं कि एसएससी सीपीओ ने 21 जुलाई 2023 को अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। एसएससी सीपीओ ऑनलाइन एप्लीकेशन 2023 22 जुलाई 2023 से स्टार्ट होंगे और एसएससी सीपीओ पेपर वन का एग्जाम 3 अक्टूबर 2023 से 6 अक्टूबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा और 15 अगस्त 2023 से यह एप्लीकेशन क्लोज कर दिया जाएगा और आप पेपर एक के लिए सितंबर 2023 में इसका एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकेंगे। चलिए अब आपको बता देते हैं कि एसएससी सीपीओ क्या है। तो एसएससी सीपीओ यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि सीपीओ जिसको हिंदी में आप कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी, केंद्रीय पुलिस संगठन यानी कि सीपीओ कहते हैं। एसएससी सीपीओ उन लोगों के लिए एक अच्छा अवसर हो सकता है जो दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ भारत के गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सर्वश्रेष्ठ अर्धसैनिक बलों को संदर्भित करता है। एसएससी सीपीओ एग्जाम के तहत कुल 7 पद आते हैं जिसमें कि 6 सब इंस्पेक्टर और 1 पद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का होता है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद आपको इन्हीं में से किसी एक पद के लिए चुना जाएगा। इन सभी पदों को आप नीचे समझेंगे जो एसएससी सीपीओ की परीक्षा के अनुसार आते हैं। पहला है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, दूसरा है सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ, तीसरा है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ और चौथा है सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी कि सीआरपीएफ, पांचवा है सब इंस्पेक्टर इन इंडो टाइपन बॉर्डर पुलिस फोर्स यानी कि आईटीबीपी, छठा है सब इंस्पेक्टर इन सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी और सातवां है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ। आपको बता दें कि यह सभी पद गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, ना कि दिल्ली सरकार के। यह समझने के बाद अब यह समझना भी आवश्यक है कि इस परीक्षा में किस स्तर की शिक्षा के अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे। तो आपको बता दें कि अगर आपके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री है तो आप एसएससी सीपीओ की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। हालांकि अगर आप दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई बनना चाहते हैं तो आपको ऊपर बताई गई शिक्षा के अलावा आपके पास एलएमबी यानी कि कार और मोटरसाइकिल चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल होना जरूरी है। यह एलिजिबिलिटी सिर्फ पुरुष उम्मीदवारों के लिए, महिला अभ्यर्थियों को ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। आवेदन पत्र दाखिल करने के समय ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं है, पर आप यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि पीईटी एंड पीएमटी के समय तक आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। आपको बता दें कि एसएससी सीपीओ में मिनिमम एज लिमिट पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए 20 वर्ष है और मैक्सिमम एज लिमिट पुरुष और महिलाओं के लिए 25 वर्ष है। सभी परीक्षाओं की भांति इस परीक्षा में भी समाज के कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। यदि आप ओबीसी श्रेणी से आते हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष और एससी या तो एसटी कैटेगरी से आने वाले छात्रों को ऊपरी आयु सीमा से पूरे 5 वर्ष की छूट मिलती है और वहीं एक्स सर्विसमैन के लिए ऊपरी आयु सीमा से 3 वर्ष की आयु छूट दी गई है।
अब यह समझना भी आवश्यक है कि इस परीक्षा में भाग लेने के लिए फिजिकल एबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि एक पुलिस अफसर बनने के लिए अभ्यर्थियों का फिजिकली फिट होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शिक्षा प्राप्त करना। उम्मीदवारों की शारीरिक दुर्बलताओं को जांचने के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और स्टैंडर्ड फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET का आयोजन किया जाता है, जिसका संचालन CAPF द्वारा किया जाता है। अगर आपको दिल्ली पुलिस या CAPF समेत सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना है तो नीचे बताए हुए सभी मानकों पर खरा उतरना होगा। नीचे बताए जा रहे सभी मानक पुरुष अभ्यर्थियों के संबंध में है जो कि निम्नलिखित है। जनरल कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तय की गई है। वहीं अगर आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपकी न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में से सभी क्षेत्र सम्मिलित होंगे, जैसे कि गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखाओं, डोगरा, मराठों, कश्मीर घाटी, जम्मू और कश्मीर, उत्तर पूर्वी राज्यों और सिक्किम के लद्दाख क्षेत्र। अब पुरुषों के चेस्ट यानी सीने की बात कर लेते हैं, तो सामान्य वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप बिना फुलाए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपको बता दें कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। हम नजर डाल लेते हैं महिलाओं की अर्हताओं पर, तो जनरल महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के निवासी हैं तो आपकी न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ST महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 154 सेंटीमीटर है। आपको बता दें कि महिला उम्मीदवारों के लिए सीने के माप की कोई न्यूनतम आवश्यकता नहीं होगी। आशा करते हैं आप हमारे द्वारा प्रदान की गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। ऐसी और भी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक IAS को।